हाँ तो जय श्री राम गाइस सबको। तो भाई सबके क्या हाल चाल, होप कि सब बढ़िया होंगे एंड भाई एक नंबर होंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो भाई अब तुम देख रहे होगे जो अपना कंडेंसर माइक का पोर्ट था भाई, वो कनेक्टर था जिसे हम बोलते हैं साउंड कार्ड USB वाला, वो मैंने मंगवा लिया एंड अब तुम्हें साउंड की क्वालिटी भाई बहुत ज़्यादा उस पहले वाली फटी फटी के वास्ते बहुत अच्छी मिलेगी। सो फिलहाल भाई बड़े टाइम बाद आज हम अपने घर में अपने माइनक्राफ्ट हाउस में फिर से एंटर करते हैं। और आज मेरे पास भाई कुछ सोच के नहीं आऊँ कि मैं क्या कंटेंट बनाने वाला हूँ, कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ मैं। सो भाई कुछ नहीं सोच रखा मैंने, बाकी अब देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब तो फिलहाल जू ही पड़ा है मेरा, जो जू बना रखा था मैंने, तो एक बार चेक करते हैं वापस माइंड इसकी पोजीशन। तो भाई अभी फ़िलहाल गेम चालू करते हैं। गेम चालू करिएगा भाई, तुम्हें पता ही है चालू करने के बाद थोड़ी सी गेम अटकती है, वॉच उतार देता हूँ भाई। हाँ तो फिलहाल भाई हाँ, अभी अटक रही है थोड़ी सी, दो मिनट का वेट करो बाकी गेम अटकना हो जाएगी बंद। दो मिनट भी क्या, हल्का सा चलूँगा फुलूँगा ना वैसे ही गेम बंद हो जाएगी। गेम नहीं बंद होगी मतलब भाई वैसे अटकना बंद हो जाएगी। बाकी ये जूम देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, बाकी रिस्पांस नहीं आ रहा, बट यार चैनल पे रिस्पांस नहीं आ रहा भाई। चैनल भाई तुम देख रहे हो गाइस, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को भाई, ऐसा थोड़ी होता है यार तुम देख देख के चले जाते हो चैनल सब्सक्राइब करते नहीं। बाकी अब थोड़ी गेम ठीक हो गया, अब तुम्हें दिखाता हूँ अंदर असली चीज़ें क्या क्या है। सो पिछले मैंने पिछले वाली वीडियो में नहीं दिखाई थी एंड ये वीडियो भी भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद बड़े टाइम बाद आ रही है। सो भाई टिकट काउंटर पे देख रहे हो भाई, लेडीज टिकट काउंटर, यहाँ देखो भाई कौन बैठा रखा है मैंने, ज़ॉम्बी बैठे हुए भाई दोनों, और दूसरे में भी ज़ॉम्बी है। और अभी फ़िलहाल रात हो रही है एंड आई थिंक मेरे पास बैड तो होगा नहीं, बैड तो है नहीं, भूल पड़ी है, वुड भी बड़ी है। अभी छोड़ो बेड बनाने का टाइम नहीं है, इतने में मैं घर जाके सो के वापस भी आ जाऊंगा। एंड कोबलस्टोन फार्म भी अपना वैसा का वैसा ही पड़ा है क्योंकि इसका भी अभी यूज़ नहीं हो रहा है। इतना कोबलस्टोन एक ही बार मैंने क्या करूंगा निकाल के भाई, जब यूज़ होता है तब थोड़ी देर के लिए चला देता हूँ एंड भाई मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं अपना पूरा, जिस जिस चीज़ की भाई नीड होती है वो चीज़ हमें मिली जाती है। तो अभी फिलहाल भाई और क्या चाहिए यार, आवाज़ बताना बाकी कमेंट में बताना आवाज़ ठीक आ रही है नहीं आ रही है भाई। इन्वेस्ट कर रहा हूँ तगड़ा यार, तुम भी थोड़ा इन्वेस्ट कर लो भाई सब्सक्राइब बटन पे दबा के। तो अभी भारी आ चुकी है भाई, क्या करने की तुम्हें बताया था मैंने क्या करना है। सो भाई एक बहुत बढ़िया चीज़ करनी है जिसकी बारी आ चुकी है, वो पता क्या है, मैंने तुम्हें कहा था ना कंटेंट नहीं है, सच में भगवान कसम भाई कंटेंट था ही नहीं मेरे पास। एंड एकदम से मुझे याद आया कि भाई ये एरिया देख के याद आया, हाँ भाई मुझे एक स्विमिंग पूल भी बनाना था अपने एकदम घर के बाहर, जो से ऊपर से मैं डाइव वाला सिस्टम बनाऊंगा, जहाँ से डाइव मारते हैं ना वो वाला सिस्टम भी बनाऊंगा। सो चलते हैं, वहाँ से नहीं बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा। बाकी मैंने स्टेयर्स वगैरह जैसे कर दिया था एंड अपना फूड फार्म, मुझे पक्का पता है मैंने वीट नहीं लगाई होगी, सीड वगैरह मुझे पक्का पता है क्योंकि मुझे पता ना मेरी आदत होगा भाई, हाँ नहीं लगी। बाकी कोई दिक्कत डर कोई उसकी बात नहीं कि भाई वापिस वो प्लेन हो जाएगा डर्ट वाला, नॉर्मल सा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आज सबसे पहला काम क्या है भाई, मैं सबसे पहले चलता हूँ ऊपर एंड तुम्हें दिखाता हूँ कि अपने जू में क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे बहुत ये तो तुमने देख ही लिया हुआ स्विमिंग पूल नहीं, ओ भाई मुझे किसी ने कुछ डैमेज वैमेज दिया क्या? अच्छा हाँ यहाँ पे वो है भाई, क्या नाम है, पफर फिश भाई, इसको लाने में बड़ी मुश्किल है, बहुत हद से ज़्यादा मुश्किल। सो इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बाकी ये पानी वानी तुम देख ही सकते हो एंड उस साइड भी सेम भाई, आवाज़ ही नहीं आ रही। सो भाई साउंड नहीं आ रही थी क्योंकि लीड ही नहीं लगी आई थिंक भाई, अगर इसमें साउंड नहीं आ रही तो फिर ये 3 मिनट की वीडियो में नहीं होगा। बाकी गेम की साउंड है, मेरी साउंड तो भाई प्रॉपर आ रही है, ज़ॉम्बीज की आवाज़ आ रही है क्योंकि इसमें ज़ॉम्बीज है गाइस तुम्हें पता ही है। बाकी ये सब मैं पता नहीं क्या बनाना था, मैं भूल गया टिकट काउंटर तो मैंने वो बना दिया। ठीक है भाई यहाँ पे वही फिशेस वगैरह बहुत मज़ा, फिशेस में ना सबसे आसानी पता है किस चीज़ में, वही गाय को इन टर्टल्स तो ये ऐसे ही आ गए थे भाई। इसमें क्या था भाई भूल गया मैं यार, इसमें क्या था आई थिंक इसमें अगर बर्फ़ वगैरह है ना तो पांडा वगैरह में भी नहीं, पांडा ये रे आई थिंक इसमें, हाँ इसमें पॉलर वियर एंड भाई पॉलर वियर वाला खुलाएगा, इसमें भी पॉलर वियर है भाई, ये पॉलर वियर है क्या है
इसमें भी पोलर बियर है, वो दोनों में पोलर बियर कहाँ से आ गए? पता नहीं यार, मैं खुद भूल गया हूँ भाई, इतने दिनों बाद गेम खेल रहा हूँ कि किसमें क्या चीज़ थी। एंड भाई डायमंड का आर्बर भी बनाना था, इसमें गायें वगैरह। टर्टल यहाँ कहाँ से आ गया भाई? चीज़ें पता नहीं अपने आप कहाँ से आ रही है भाई। बच गया, नीचे निकल गया, ये खा लिया। बाकी इसके अंदर तो रैबिट्स वगैरह, तो मेरा जूम तो देख रहे हो, इतना बढ़िया बनाया और अंदर क्या क्या डाल रखा है। सच में भाई मुझे समझ ही नहीं आता क्या डालूं। बाकी अपने तोते वगैरह, अब चलते हैं इस साइड। इस साइड आई थिंक शीप वगैरह है, ब्लैक शीप वगैरह। हाँ इस साइड ब्लैक शीप है, इधर भी मैंने कुछ नहीं कर रखा। इस साइड ये पिंक कलर के, इनका नाम भूल गया भाई मैं। इस साइड कैमल दो थे भाई, तीन हो गए होंगे भाई, हो गए होंगे। इस साइड क्या बोलते हैं, मशरूम का हो ये भाई। इसके लिए ना मुझे इतनी ज़्यादा घूमना पड़ा, इतना ज़्यादा घूमना पड़ा कि भाई मैं पागल हो गया भाई इससे ज़्यादा। लोमड़ी भाई दो लोम, अच्छा हाँ मैं कहूँ दो लोमड़ी थी, ये कैसे है? छलांग क्यों नहीं लगाएगी ना? बाकी नहीं लगाएगी। और इस साइड क्या है? इस साइड डोंकी है, लामा एंड स्केलेटन हॉर्स। एक रखा था, दो कहाँ से आ गए यार? यहाँ पे डोंकी और गधे का मिक्सचर, यहाँ पे डोंकी। क्या कर रहा हूँ भाई मैं खुद भूल गया भाई, मैंने समझ ही नहीं आ रहा। बाकी खाना खाता है। भाई एक बार यार मैं ये देख रहा था, है ना, कंट्रोल दबा के एफ कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्लस कंट्रोल दबा के स्प्लिंट होता है, यानी कि प्लेयर भागता है। अब मैं भाई ऐसे ही रखूँगा, हाँ तो डब्ल्यू प्लस कंट्रोल लगा के कि जल्दी जल्दी से पूछूँ भाई। आज पता है मुझे, आज पता लगा ये। एंड मैं एक बार ऊपर चलता हूँ भाई, इनको मैंने यहाँ पे रख रखा है। ये विलेजर आधे ज़ॉम्बी विलेजर बन चुके हैं, आधे मर चुके हैं भाई। मुझे फिर से विलेजर इकट्ठे पड़ने पड़ेंगे। ऊपर वगैरह कुछ है तो नहीं ना? तो अब सबसे पहले मुझे नीड्स पड़ेगी भाई, इसकी पिस्टन वगैरह की तो नीड नहीं है क्योंकि शुगर केन पाम भाई बाद में देखेंगे। बाद में यार क्या क्या पड़ा हुआ है पास? ग्लास की बहुत नीड पड़ेगी, इन वाले ग्लास नहीं चाहिए भाई, ग्लास वो चाहिए मुझे नॉर्मल वाले। आई थिंक इनसे भी बनते ही होंगे नॉर्मल वाले ग्लास। चार ग्लास अगर चले एक ही खुली जा रहा बार बार तो ये। हाँ 17 इधर भी पड़े हैं, बाकी इधर कुछ डायमंड वगैरह भी पड़े हैं। सो मैं क्या करता हूँ भाई, एक स्टैक यहाँ अपने पास रख ही लेता हूँ क्योंकि आज भाई डायमंड आर्मर भी बनाना है। ठीक है भाई, बहुत दिन हो गए गोल्ड आर्मर पे। डायमंड होते हुए मैं इतनी कंजूसी कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक भाई डायमंड आर्मर नहीं बनाया। एक बार वीडियो रिस्टार्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ तो भाई वीडियो अपनी दोबारा कंटिन्यू हो चुकी है। भाई साउंड में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही बोल दिया। चुप थोड़ी रह सकता हूँ, वैसे मैं चुप रहता हूँ जब वीडियो नहीं बनाता। आज कोई कंटेंट नहीं है तो मैं चुप नहीं रह पा रहा भाई। ग्लास देखो, सबसे पहले ग्लास कहाँ है? मेन आएगी ग्लास की दिक्कत, ग्लास बनाने बहुत। आई थिंक आई नो व्हाट इज रेसिपी। नहीं यार ग्लास ही नहीं बन रहा भाई। अबे चलो कोई नहीं, बाकी अपने पास ग्लास वगैरह पड़े हुए हैं बहुत से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डर्ट मुझे नीड पड़ेगी भाई। टोर्च तो चाहिए नहीं, इसको हटा ही दो। पूल बड़ा स्विमिंग पूल बनाऊँगा टायर से कुछ, इसमें मैं दबा के भाई। इसके अंदर पड़ा ग्लास वगैरह, कोबल स्टोन तो हर जगह मिलेगा भाई, हर जगह। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्विमिंग पूल होगा भाई अपना यहाँ से, कोई नहीं पड़ी।
सबसे पहले डायमंड का मुहूर्त करते हुए हम एक बनाएंगे अपने लिए हॉल, ठीक है भाई, क्योंकि डायमंड का मुहूर्त तो करना ही है, स्टिक्स ही नहीं होगी। मैं ना परेशान हो गया भाई। ओ यार मैंने थोड़ा बनाना था साला, एक ही बार में सारा बन गया। तो से बना देते हैं एक होप बस, अब चलते काम करने। इतना डायमंड पड़ा है फिर भी कंजूसी, बताओ। ओ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई, नीचे पानी वानी भी है। आई थिंक टाइम तो मुझे इतना ही लग रहा। अब ओ भाई मैं कितना पागल हूँ यार, इसके लिए तो वो बना दी शवल और मैं हो बना के आ गया। यार भाई क्या क्या दिमाग है यार, क्या दिमाग है, बहुत ज़्यादा ही दिमाग दे दिया लगता है भगवान ने मुझे। क्या चाहिए, क्या बना रहा हूँ कसम से। ओ ये लो, ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही गहरा भाई, बहुत टाइम लगने वाला। अब मुझे पता लग चुका जिस हिसाब से इसका है ना ये। स्विमिंग बनेगा फुल लंबा भाई, फुल लंबा, मज़ा आ जाए इसे देख के, पता लगे हाँ भाई स्विमिंग पूल है ना उनके घर में, नैन विला में। काम की चीज़ें हमेशा मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें अंदर ही रहेगी, कभी कभी काम की चीज़ें तुम्हें ना ऐसे एकदम फेस पे नहीं दिखेगी भाई, बिल्कुल भी कभी ज़िंदगी में नहीं दिख सकती। इसको भी उठाता हूँ, जगह है नहीं, जगह भी खाली करनी पड़ेगी, बस इतना बहुत है। जगह देख लेता हूँ उधर कितनी है भाई। बाकी रात, एक तो रात पता नहीं क्यों हो जाती है इतनी जल्दी भाई, ऊपर नीचे ज़ोंबी ज़ोंबी ना सब होना रखे हो। एक सरफेस भी बनाना पड़ेगा आई थिंक, बाकी ज़्यादा दूर नहीं हूँ घर से मैं, सरफेस तो बन ही जाएगा है ना, इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ कि रात में वहाँ जाना पड़े। भाई ऊपर ना स्केल्टन का पोस्टर लगा, और जब भी देखता हूँ ना मैं कहता हूँ यार गेम अपडेट हो गया है, फायर का फायर वाला स्केल्टन पता नहीं कहाँ से आ गया। थक गया भाई बोलते बोलते। पर ऐसे भागने से ना भाई एक चीज़ है, खाना बड़ी जल्दी वेस्ट होएगा, बहुत जल्दी वेस्ट होता है खाना। बाकी ज़्यादा गड्ढा करने की तो मुझे नीड है नहीं, क्योंकि मुझे पता है आधे से ज़्यादा गड्ढा वही करते, कारण गहरा और भाई फुल तगड़ा बनाना है। बस यहाँ पानी, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने कहा, इस पानी भरने में भाई इतना ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पता है भाई मुझे आसपास है तो वहीं ज़ॉम्बी आवाज़ें लगा रहे हैं। ये TNT पड़ेगा मेरे पे, एक बार मैं देख के आता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है आई थिंक TNT लगाना सही रहेगा। TNT लगा के आधे से ज़्यादा काम भाई हो जाता है, सही चीज़ है TNT यार। चलो दो TNT पड़े खाली। सी फ्लिंट है भाई, सी फ्लिंट, फ्लिंट तो पड़ा है, स्टील, आयरन भी पड़ा है, आयरन भी पड़ा है भाई। वैसे एक बार मैं देख लेता हूँ क्या होता, कहीं ना कहीं पड़ा हो भाई स्टील फ्लिंट, छोड़ो भाई इतना टाइम नहीं लगाना, वेस्ट नहीं कर सकता भाई। सबसे पहले इन कूड़े कबाड़ों को फेंको। TNT आई थिंक इसमें भी पड़े हैं ना, सी फ्लिंट एरा, बस मुझे पता था सी फ्लिंट होगा, क्योंकि भाई लास्ट टाइम मैंने लिया था सी फ्लिंट, एंड भाई ये एग वगैरह यार पता नहीं कि कौन से बायोम में गया था जहाँ पे मुझे को मिली थी, क्या नाम है, विलेज मिली थी, और उस बायोम में पता नहीं कैसा सा मतलब एग वगैरह पड़े थे, बाकी मुझे पता नहीं किस चीज़ के अंडे है भाई, तो मैंने इसे यूज नहीं करके देखा अभी तक।
बस ज़्यादा नुकसान ना हो भाई। सेम ऐसे भाई इधर लगा देता हूँ मैं। चलो भाई बढ़िया भाई, एक साइड तो हुई। सेव अब मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे करता हूँ एक गड्ढा, बस इसी गड्ढे पे लग जाएगा भाई TNT। यहाँ पे फेंको सी प्लेंट और यहाँ से ठस हो जाओ बस। सेम गाइस दिस साइड। यार भाई आई थिंक ये कल थी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई होगी क्योंकि कार्ड रीसेट का भाई पंगा आ गया। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। सब रिकॉर्डिंग गाइस प्रॉपरली हो रही है, बट एक दिक्कत आ गई भाई, जो बीच में एक आधी वीडियो बनाई होगी वो रह गई। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, सबसे पहले भाई जाता हूँ TNT लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। तो लो भाई सबसे बेस्ट बात भाई जाओगे। हाँ तो सबसे बढ़िया बात भाई, पिछले वाले घर के अंदर ही TNT पड़ा हुआ था, मतलब स्टैक पड़े हुए थे दो तीन, तो मैं एक स्टैक से आया क्योंकि TNT की मुझे नीड होती रहती है भाई, और ऐसा हो नहीं सकता TNT पर ना मिले। यार टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, मुझे लगता नहीं वीडियो भी पूरी बन पाएगी, कंटिन्यू में ना डालनी पड़े। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ गिर रहा है क्या, वो फट रहा है कुछ तो फटा भाई, हवा आ जाएगी बड़ी तेज। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेम इस साइड नहीं भाई, चलो भाई बहुत सही काम। तो मेरा आई थिंक जितना मुझे ज़्यादातर चाहिए था उतना हो गया। इस साइड एक लेयर बनाता हूँ मैं भाई TNT की, यहाँ डालता हूँ अंदर, ठीक है भाई, यहाँ लगाता हूँ TNT। बाहर निकलने की जगह कहाँ है भाई, ये रही। बम, लो भाई एकदम क्लियर, जितना मुझे स्पेस चाहिए भाई सीधा डायरेक्ट हुआ है। सो मैं क्या करता हूँ फटाफट से नीचे चलते हैं। भाई तुम्हें भाई 2 मिनट में मिलता हूँ, ठीक है भाई, एकदम इसे क्लियर करके एंड इसमें थोड़ा बहुत जो चीज़ें लगानी है वो लगा के। दो मिनट आधा घंटा लगाई। हाँ तो भाई जो अपना स्विमिंग पूल था वो बन के पूरा रेडी हो चुका है, बाकी अब मैं तुम्हें चल के दिखाता हूँ एक बार कैसा बना। सो चलते हैं भाई ऊपर 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 ऊपर, ये रहा भाई हमारा नया स्विमिंग पूल। बाकी तुम चेक करो गहरा कलर वगैरह भाई मैंने इसमें करा दिया, मतलब कलर ब्लॉक्स ही लगा लो। बाकी तुम्हें यहाँ से एक बार चलते हैं फुल जंप दिखाता हूँ तुम्हें क्या टाइमिंग आएगी। तो भाई ये अपने स्विमिंग पूल के लिए ऊपर जो ऊपर चढ़ने की स्टेयर्स होती है भाई वो, और भाई यहाँ से लगाते एक डाइव। देख रहे हो मजा, देख रहे हो भाई कितना गहरा, आराम से मैं पूरा तैर सकता हूँ भाई इसे दबा के। ऊपर भी आना है, सांस नहीं मिलती भाई नीचे। तो बाकी बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो एंड नए कंटेंट के साथ, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय एंड गाइस सभी को जय श्री राम।